खबर बिलासपुर से है, जहां एक बार फिर से कांग्रेसी एक्टिव नजर आ रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने रविवार को 1,01,000 किसानों को राजीव गांधी न्याय योजना की अंतिम किस्त किसानों के खाते में जमा की। किसानों के खाते में 63,15,00,000 रुपए जमा किए गए। खातों में पैसे पहुंचने के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और बीजेपी को किसान विरोधी तक बता दिया। हम लोगों ने अपनी घोषणा पत्र में 2500 रुपए समर्थन मूल्य में धान खरीदी की बात कही थी। हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने 2500 रुपए में धान खरीदा भी, लेकिन केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की बनाए गाइडलाइन और अनुबंध के तहत हम लोगों को 1,868 रुपए में समर्थन मूल्य जो केंद्र सरकार ने निर्धारित किया है उसके तहत धान खरीदना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी और 1,500,000 रुपया प्रति व्यक्ति के खाते में देने का झूठा वादा कर केंद्र में आए हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने जो वादा किया था उसको पूरा किया है। 2,500 रुपया देने का वादा किया था तो वो 1,868 और बाकी प्रोत्साहन राशि के रूप में 2,500 रुपये प्रति एकड़ प्रति क्विंटल किसानों